वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी कौमी इंसाफ मोर्चा मोहाली बैठे आ। सो वीर सतवंत सिंह वालों हुक्म होया कि कौम नूं कुछ सुनेहा दिता जाए। सो 84 दे टाइम ये मेरे मन की एक फीलिंग है जो मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहना सारे नाल। 84 दे विच एक टाइम आया सी, दिल्ली वालों एक टीम भेजी गई सी, ता एक वार दे राही दस्या गया कि बब्बर शेरां दी उत्थे फौज वेखी है। सो जदों भी असी इस कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच आने आ तां सानू इदां दी फीलिंग आती है कि बब्बर शेरां दी फौज इत्थे सानू देखण नूं मिलदी है। सो सब तो पहला तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहांगा सारी सिख कौम नूं कि इस मोर्चे दे उत्ते वध तो वध तुसी सिख संगतां नूं लै के पिंडां दे विच्चों जरूर पहुँचो, जिन्नी भी आपां सेवा कर सकते हाँ, क्योंकि तनो मनो तनो जिन्नी भी सेवा आपां इत्थे पा सकते हाँ वह पाउणी चाहीदी है, ते पिंडां दे विच्चों जरूर वध तो वध संगतां इत्थे पहुँचण। सो आपां वार गाउंदे हाँ जी, दस दाए सोईया दिल्ली जाके राणी नू, तीर वाले बाबे दी मैं मौज वेखी है, एक ही ना शेर हुंदा मान बीबी जी, बब्बर शेरां दी उत्थे फौज वेखी है, एक ही ना शेर हुंदा मान बीबी जी, बब्बर शेरां दी उत्थे फौज वेखी है, खंडे नाल पानी जिया कोल देने ओ, नाल कुछ हौली हौली बोल देने ओ, जेड़ा पीले करदा मखोला मौत नूं, करामात हुंदी उत्थे रोज वेखी है, एक ही ना शेर हुंदा मान बीबी जी, बब्बर शेरां दी उत्थे फौज वेखी है, एक ही ना शेर हुंदा मान बीबी जी, बब्बर शेरां दी उत्थे फौज वेखी है। भाई अमरीक सिंह निरी अग है, रोब बाबे ठारा सिंह दा अलग है, जरनल सवेग सिंह वड्डी मारते, मूवमेंट होके मैं क्लोज वेखी है, एक ही ना शेर हुंदा मान बीबी जी, बब्बर शेरां दी उत्थे फौज वेखी है, बब्बर शेरां दी उत्थे फौज वेखी है, बब्बर शेरां दी उत्थे फौज वेखी है। सो सिख संगतां नूं बेनती है कि साडी कौम बब्बर शेरां दी कौम है, इस कौमी इंसाफ मोर्चे ते वध तो वध पहुँचो, बब्बर शेरां दी फौज दी आपां ना अज तक इतिहास दे विच कदे पिट लगी है, ते वाहिगुरु अगे सच्चे पातशाह अगे अरदास है कि कदे सिख कौम दी पिट ना लगे। सो सारे वीरां नूं बेनती है कि वध तो वध कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच तुसी अपना योगदान पाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।